नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर 12 किसी वर्ष में दिन संख्या 285 है। भारत और विश्व इतिहास में 12 अक्टूबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। आइए जानते हैं 12 अक्टूबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। दुनिया के लगभग हर देश में राष्ट्रपतियों के रहने के लिए एक आधिकारिक आवास बनाया गया है। भारत में तो इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से ही जानते हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहा जाता है। हालांकि हमेशा इसका नाम व्हाइट हाउस नहीं था। जब इसका निर्माण हुआ था तब इसका नाम प्रेसिडेंट पैलेस या प्रेसिडेंट मेंशन था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी इसका नाम व्हाइट हाउस रखा गया? दरअसल इसके पीछे 118 साल पुराना इतिहास छुपा हुआ है। व्हाइट हाउस सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान नहीं था, बल्कि यह अमेरिकी की इतिहास विरासत का एक उत्कृष्ट नमूना भी है। व्हाइट हाउस में हर वो सुविधा मौजूद है जो किसी भी ताकतवर देश के पास रहने की अपेक्षा की जाती है। इसके अंदर एक बंकर भी मौजूद है जो किसी मुसीबत के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन का नाम व्हाइट हाउस पड़ने के पीछे कहानी ये है कि साल 1814 में ब्रिटिश आर्मी ने वॉशिंगटन डीसी में बहुत सी जगहों पर आग लगा दी थी। इसमें व्हाइट हाउस भी शामिल था। इस आग की वजह से इसकी दीवारों की खूबसूरती चली गई, जिसके बाद इमारत को फिर से आकर्षक बनाने के लिए उसे सफेद रंग से रंग दिया गया। इसके बाद से ही इसे व्हाइट हाउस कहा जाने लगा। फिर साल 1901 में आज के दिन अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने आधिकारिक रूप से इसका नाम व्हाइट हाउस रख दिया। आज ही के दिन 12 अक्टूबर को जन्म हुआ था भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक राजमाता विजयाराजे सिंधिया का। राजमाता विजयाराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थी। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। यह तो इनका जन्मदिन 12 अक्टूबर को आता है, लेकिन हिंदू तिथि के मुताबिक करवा चौथ को भी राजमाता का जन्मदिन सिंधिया परिवार मनाता है। 1967 में मध्य प्रदेश में सरकार गठन में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विजयाराजे सिंधिया का सार्वजनिक जीवन जितना प्रभावशाली है उतना ही आकर्षक था। व्यक्तिगत जीवन में उन्हें इतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। विजयाराजे सिंधिया और उनके एकमात्र पुत्र और कांग्रेस नेता रहे माधवराव सिंधिया के बीच संबंध बेहद खराब थी। विजयाराजे सिंधिया का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में राणा परिवार में ठाकुर महेंद्र सिंह एवं चूड़ा देवेश्वरी देवी के घर हुआ था। ये अपने पिता की सबसे बड़ी संतान थी। इनके पिता जालौन जिले की डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। इनके बचपन का नाम लेखा देवेश्वरी देवी था। उनकी मां ठाकुर महेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी थी। वे नेपाली सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ जनरल राजा खड़गट शमशेर जंग बहादुर राणा की बेटी थी, जो नेपाल के राणा वंश के संस्थापक जंग बहादुर कुंवर राणा के भतीजे थे। विजयाराजे के जन्म के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1967 में लोहिया ने आखिरी सांस ली थी। आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने असूलों की पक्की राम मनोहर लोहिया ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सिर्फ 12,000 रुपए का इंतजाम हो जाता तो लोहिया की जान बच सकती थी। लोहिया चाहती तो एक चुटकी में इतने पैसों का इंतजाम हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने असूलों के साथ समझौता करना गवारा नहीं समझा। राम मनोहर लोहिया का निधन एक ऑपरेशन के बाद फैले इन्फेक्शन की वजह से हुआ। अगर उनका इलाज किसी बेहतर अस्पताल में होता तो उनकी जान बच जाती थी। विदेश के किसी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए उन्हें 12,000 रुपए की जरूरत थी। लोहिया चाहती तो इतने पैसों का इंतजाम आसानी से हो सकता था, लेकिन उन्होंने इन पैसों के इंतजाम के लिए सख्त पाबंदियां लगा रखी थी। सिर्फ 12,000 रुपए के चलते देश ने अपने सबसे बड़े नेता को खो दिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। उनके पिताजी हरिलाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे और उन पर भी गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। देश में गैर कांग्रेसवाद की अलग जगाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया चाहती थी कि दुनिया भर के सोशलिस्ट एकजुट होकर मजबूत मंच बनाए। लोहिया भारतीय राजनीति में गैर कांग्रेसवाद के शिल्पी थे और उनके अथक प्रयासों की वजह से
साल 1967 में कई राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि केंद्र में कांग्रेस जैसे तैसे सत्ता पर काबिज हो पाई। हालांकि लोहिया 1967 में ही चल बसी, लेकिन उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की जो विचारधारा चलाई उसी की वजह से आगे चलकर 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लोहिया मानते थे कि अधिक समय तक सत्ता में रहकर कांग्रेस अधिनायकवादी हो गई थी और वह उसके खिलाफ संघर्ष करते रहे। BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।